आपके स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है कोलकाता कांड का, यानी कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद वहां जब पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, ये फोटो उसी वक्त का है, यानी 9 अगस्त की बताई जा रही है। अब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद आखिरकार कोलकाता पुलिस को सफाई देनी पड़ी। क्या कुछ था इस फोटो में, इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। आपको कोलकाता कांड से लेकर हम कोई ना कोई जो भी अपडेट सामने आता है लगातार आपको रूबरू करवाते हैं। हाल ही में आपको बता दें कि शुक्रवार यानी 30 अगस्त को कोलकाता पुलिस सामने आती है, मीडिया से रूबरू होती है, जिसमें वो हवाला देती है कि मीडिया एक वायरल वीडियो चला रहा है। ये वीडियो हालांकि भीड़ का ही है और 9 अगस्त की ही बताई जा रही है। इस पर हमने आपको पहले भी खबर दी थी, जो बताया था जिसमें कि सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को जिस दिन वारदात को अंजाम दिया जाता है और डॉक्टर की बॉडी वहां पर रखी होती है, उसी सेमिनार हॉल की वो तस्वीर होती है, वो वीडियो होता है, जहां पर इन्होंने पुलिस का ही ये बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि 40 फीट के दूरी पर डॉक्टर की लाश रखी थी, जहां पर कर्टन से उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था। इसके बाद उन्होंने बताया था कि ये जो भीड़ है, जो वायरल वीडियो है, ये पूरी तरह से उन्होंने बताया था कि सच है, यानी 9 अगस्त का ही वो वीडियो था जिसमें भीड़ आपको दो ओर दिखाई दे रही होगी। हालांकि हमारे पास जो वीडियो था उसमें एक ही ओर नजर आ रही थी, जो भीड़ थी वो सेमिनार हॉल की थी और पुलिस ने ये बकायदा माना था। अब पुलिस इस पर भी रुकती नहीं है, आखिरकार कोलकाता पुलिस जो है फिर से सामने आती है और एक आला अफसर सामने आती है, जो बताती है कि आखिर उस हॉल में, इस तस्वीर में क्या कुछ था, उन्होंने अपने बयान में बताया है। आज कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं, सब चैनल्स ने इसको रोल भी किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है। दरअसल आप तस्वीर देखेंगे तो ये उसी वीडियो से एक चंक्स निकाला हुआ है, यानी स्टिल निकाला हुआ है, जिसमें जो इंदिरा मुखर्जी है, डीसी सेंट्रल की ऑफिसर है, इन्होंने बकायदा वो तस्वीर को अपने हाथों में लिया है और इस तस्वीर के बारे में वो बता रही है। आखिर क्यों कोलकाता पुलिस को बार बार मीडिया से रूबरू होना पड़ रहा है, आखिर क्यों कोलकाता पुलिस को सफाई देनी पड़ रही है, वो भी इतनी सारी, चाहे वो ऑडियो कॉल की हो, उन्होंने ही खुद वायरल किया ऑडियो कॉल, और जिसमें उन्होंने बताया कि कोलकाता पुलिस ने कभी नहीं कहा कि उस वक्त उस हॉस्पिटल में जो लाश पड़ी थी आखिर वो एक सुसाइड का मामला था, यानी मौत को खुद से गले लगाने का मामला, ये कोलकाता पुलिस ने कभी नहीं कहा था, जिसमें उन्होंने ये हवाला दिया। अब दूसरी तरफ वो वीडियो वायरल होता है जिसमें कोलकाता पुलिस फिर सामने आती है और बताती है कि ये वीडियो तो सही है, लेकिन जिस तरह से वीडियो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी एविडेंस से छेड़छाड़ करने की बात कही जा रही है, वो सिरे से उन्होंने नकार दिया था। अब इस फोटो के जरिए वापस से कोलकाता पुलिस सामने आती है और बताती है कि इस फोटो अगर देखेंगे तो उन्होंने बकायदा चिन्हित किया है, यानी सबको रिकॉग्नाइज किया है कि इस तस्वीर में कौन कौन है वो बता सकते हैं। बकायदा एक लिस्ट आता है सामने जिसमें वो बताती है कि अगर आप बात करेंगे कि इस तस्वीर की, तो इसमें जो डिटेक्टिव डिपार्टमेंट होती है पुलिस की, उसी का वीडियोग्राफर आपको नजर आ रहा होगा। यानी फोटो की बात करें तो लगभग आपको 10 से 12 लोग नजर आ रहे होंगे, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो इनका स्टेथोस्कोप होता है, यानी आला, वो गले में लटकाए एक डॉक्टर नजर आ रही होगी। इनके पीछे देखेंगे तो FSL की टीम नजर आ रही होगी। ये पुलिस का दावा है, पुलिस ने ये बकायदा अपने बयान में कहा है, और इस तस्वीर को लेकर उन्होंने जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी इसको लेकर सामने आते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि इस तस्वीर की अगर बात करें तो इसमें फिंगरप्रिंट्स के जो एक्सपर्ट होते हैं वो है, और फोटोग्राफर है, और डॉक्टर है, यानी जो विटनेस वहाँ के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो है। इसके साथ ही उन्होंने बोला कि लेडी पुलिस ऑफिसर है, फॉरेंसिक की टीम है। इतना ही नहीं, अगर बात करें पुलिस की तो पुलिस के भी आला अफसर थे, यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस भी वहाँ मौजूद थे। ये तमाम लोगों का उन्होंने अपने उसमें जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि FSL टीम से लेके विटनेस डॉक्टर से लेके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से लेके वीडियोग्राफर से लेके एडिशनल CP तक की कहानी उन्होंने बताई कि ये सभी वहां पे मौजूद थे। जिस तरह से ये खबरें आ रही थी, वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि पुलिस के रहते हुए वहां पर अनवांटेड लोग भी मौजूद थे, यानी जिसका वहां कोई काम नहीं था ऐसे लोग भी मौजूद थे, ये वीडियो में दावा किया गया,
जिसे पुलिस सामने आती है, सिरे से नकारती है और बताती है कि हम तस्वीरों में आपको बता सकते हैं जिस तरह से एलिगेशंस पुलिस पे लगाए जा रहे हैं वो वैसा नहीं है, क्योंकि पुलिस ऑथोराइज्ड पर्सन को ही उस सेमिनार हॉल में आने की इजाज़त दी थी। यानी अगर आप उस फोटो को देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तो उनका ये कहना है कि उसमें मौजूद हर एक शख्स ऑथोराइज था, यानी कोई बाहरी शख्स नहीं था, जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि एविडेंस को टेम्पर्ड किया जा सकता था। और सीबीआई की बात करें तो सीबीआई भी जब इस केस को ज्वाइन करती है, उन्होंने भी कोर्ट में ये चीज़ें कही थी कि उनके आने से पहले हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि एविडेंस से छेड़छाड़ की हो। ये कोर्ट में उन्होंने बाकायदा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपने बयान में ये सारी चीज़ें कही थी। लेकिन कोलकाता पुलिस है कि लगातार अपने दावे को साबित करने में जुटी हुई है, अपनी इज्जत को बचाने में। यानी जिस तरह से कटघरे में कोलकाता पुलिस थी, कोलकाता में डॉक्टर के साथ जिस तरह से अपराध को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद से लगातार पुलिस की किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद वो लगातार कुछ न कुछ अपडेट लेके सामने आते हैं और बाकायदा अपनी कॉलर को क्लीन चीट देना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार इस केस के बारे में अपडेट कर रहे थे। यानी जो वायरल क्लिप है, वायरल फोटो है, स्टिल की बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसमें नहीं है, जैसा कि दावा किया जा रहा था। और ये आला अफसर खुद ने, इंदिरा मुखर्जी जो है, उन्होंने आपके सामने कहा है और बाकायदा फ़ोटो के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसमें हर एक पर्सन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि वहाँ पर मौजूद कई लोग हैं, भीड़ है, इसमें हो सकता है कि एविडेंस से छेड़छाड़ की हो। हालांकि पुलिस इस वीडियो को भी लेकर सामने आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 40 फीट दूरी पर वो लाश रखी थी, यानी डॉक्टर का जो डेड बॉडी था वहाँ उस सेमिनार हॉल में ही था, लेकिन भीड़ जो थी उनसे 11 फीट की दूरी पर थी और लाश जो था वो 40 फीट की दूरी पर था। बहरहाल अगर तस्वीरों की बात करें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कॉर्डन ऑफ किया गया था। सफ़ेद रंग की चादर दिखाई दे रही होगी जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उसमें कई लोग ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो, चाहे किसी, जो तमाम नाम हमने लिया है वो सभी लोग मौजूद हो, ये सभी लोग वहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। कॉर्डन ऑफ का एरिया भी नज़र आ रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ये आपने भीड़ का पात्र देखा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तस्वीर थी जो उसी सेमिनार हॉल की थी और जहां पर ये ऑथोराइज्ड पर्सन डील कर रहे थे, उस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और तमाम जैसे सोशल मीडिया पर ये सारी फोटो चाहे वीडियो, इन सभी को लेकर जो दावा किया जा रहा कि कोलकाता पुलिस ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, कोलकाता पुलिस ने वहाँ पर ऑथोराइज्ड पर्सन को एंट्री दी थी, तो इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम अटकलों पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। कहीं ना कहीं लगातार वो बयान अपना जारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो कॉल की बात करें, चाहे वो हम फोटो की बात करें, चाहे हम वो वीडियो की बात करें, जो तमाम इस कोलकाता केस से लेकर ही वायरल हो रही थी, इस पे पुलिस अपना पक्ष रखती है, जिसमें वो अपने आप को क्लीन चिट दे रही थी।